वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, वो आज हम बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका नेचर एंड कंसेप्ट। रिलेशन में अगर दोनों का नेचर देखा जाए, दोनों का कंसेप्ट देखा जाए, तो पहले प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है और कंट्रोलिंग जो फंक्शन है वो लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन माना जाता है, कंट्रोलिंग सेकेंडरी फंक्शन माना जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एंटरप्राइज़ की बात करें, किसी भी फर्म की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिक माना जाता है, मतलब यानी कि प्राइमरी फंक्शन या फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन माना जाता है। प्लानिंग गैप को पूरा करता है, ये जो ब्रिज है प्लानिंग का वो गैप को ख़त्म करता है कि जहाँ आप हो, वेयर वी आर, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे आपको पहुँचना है, वहाँ तक का जो गैप है उसको प्लानिंग ब्रिज बना के ख़त्म करता है। जहाँ पे आप हो, जहाँ से आपका स्टार्टिंग है और जहाँ पे आप रीच करना चाहते हो। कंट्रोलिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू जो भी प्लान हमने सोचा है, जो भी हम एक जैसे हमने ब्रिज बनाया, प्लानिंग का फॉर्म का ब्रिज बनाया, तो कंट्रोलिंग ये देखता है कि वो ब्रिज सही है कि नहीं, ब्रिज को चेक करता है एवरीथिंग इज़ ओके अकॉर्डिंग विथ प्लान। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंट्रोलिंग क्या है, कीपिंग अ माइंड, चेक करना हर चीज़ को, फेवरेबल बनाना, फेवरेबल है तो उसको और फेवरेबल बनाना, और कंफर्टेबल है या नहीं है वो चीज़ को देखना। सो दैट इज़ अ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक डैट एवरीथिंग इज़ इन अकॉर्डिंग विथ प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें सही चल रही है, वो एक तरीके से प्रॉपर ओके है अकॉर्डिंग टू प्लान। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्लान जो चीज़ हो रही है, अगर वो है तो दैट इज़ अ कंट्रोलिंग। इसको हम यहाँ पे कंट्रोलिंग मानते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन मीन्स कीपिंग अ चेक डैट एवरीथिंग इज़ इन अकॉर्डिंग विद प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये चीज़ मानी जाती है कंट्रोलिंग के अंदर। उसके बाद बता रखा है कि कंट्रोलिंग जो है वो एक तरीके से राइट टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को भी अंडरटेकन करता है, यानी कि जो जो प्लानिंग चल रही है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, ये बात को भी कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि जो जो प्लानिंग है वो सही तरीके से सही जगह लग रही है, नहीं लग रही है, वो चीज़ों को भी यहाँ पर कंट्रोलिंग में देखता है। इसके बाद बता रखा है इंटरडिपेंडेंस और इंटरलिंक का पॉइंट कि इंटरडिपेंडेंस दोनों है या इंटरलिंक किस तरीके से है। कंट्रोलिंग फंक्शन की बात की जाए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेज़र करा जाता है। तो प्लान परफॉर्मेंस यानी कि पहले से जो सोचा गया और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एक्चुअल फॉर्म में होगी, जो एक्चुअल फॉर्म में करी जाती है, तो दोनों को एक बार कंपेयर करा जाता है। प्लानिंग फंक्शन हमेशा कंट्रोलिंग फंक्शन पर डिपेंड होता है क्योंकि प्लान का एक फॉलोइंग है और एक इम्प्लीमेंटेशन है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और चेक जो होता है कंट्रोलिंग में, वो हर चीज़ को एक पॉसिबल फॉर्म में बनाता है जो प्लान के अकॉर्डिंग है। जो जो प्लान हमने करा उसको पॉसिबल बनाने में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किसके अकॉर्डिंग होती है? प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो चेक करता है, मिस्टेक को सही करता है और मिस्टेक्स को मॉनिटर करता है। सो जो जो हमने सोचा उसको प्लान कहते हैं और जो जो हम कर रहे हैं वो कंट्रोलिंग कहते हैं। तो दोनों में कंट्रोलिंग एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है प्लान के, और प्लान भी एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है कंट्रोलिंग के, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग के प्लान सक्सेस नहीं होगा, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग का कुछ मतलब नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर डैट एवरी वन फॉलोस द प्लान स्ट्रिक्टली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बताया गया है कि जो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो ये देखता है कि जो भी प्लान चल रहा है वो एक तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को भी यहाँ पे कंट्रोलिंग चेक करता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे अगर बता जाए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग में यहाँ देखा जाता है कि हमने पहले क्या क्या गलती करी थी, पहले के बिजनेस पर देखा जाता है। तो एक तरीके से डेविएशन जो है, चेंजेस है, जो मिस्टेक्स है उसको निकालता है और फिर उसको सही करता है। ये कंट्रोलिंग का मेन एक मेन फोकस पॉइंट है कि बैकवर्ड लुकिंग पहले देखकर मैनेजर ये देखता है कि प्रीवियस ईयर में हमने क्या क्या गलती करी जिससे हमारी फर्म को एक लॉस उठाना पड़ा या हमारा प्रॉफिट जो है वो इनएडिक्वेट यानी कि कम हुआ है। तो उस प्रॉफिट को कैसे रिकवर करें, उस लॉस से कैसे निकले हम, उस चीज़ को सही करने में ये ध्यान देता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में बैकवर्ड लुकिंग है बिकॉज मैनेजर लुक बैक टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट इट्स डेविएशन। उस चीज़ों को सही करता है, जो उन गलतियों को सही करता है जो हमने प्लानिंग में करी थी।
प्लानिंग अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होता है। सो प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो फ्यूचरिस्टिक होता है। कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन कंट्रोलिंग एक एंड नहीं है। कंट्रोलिंग कंपेयर करता है पास्ट परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ, जो जो हमने पास्ट परफॉर्मेंस करी है और जो जो हमारे स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से हमें एक तरीके से बैलेंस हो रहे हैं, हमने जो काम करा है वो हमारे स्टैंडर्ड वर्क के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोलिंग ज़रूर देखता है। सो कंट्रोलिंग बैकवर्ड और प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दोनों में यही है कि फ्यूचर प्लान प्लानिंग के लिए ज़रूरी है और यहाँ पे कंट्रोलिंग उस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए जो हमने सोचा फ्यूचर में उसको सक्सेस बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया। सो दैट इज़ अ टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट ये सारी चीज़ इसमें देखी जाती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। तो इस वीडियो हमने बात करी प्लानिंग और कंट्रोलिंग में जो रिलेशन है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में जो इंटरडिपेंडेंस है, प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग में जो नेचर कंसेप्ट इंटरलिंक इंटरडिपेंडेंस और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है वो किस तरीके से है वो आज हमने यहाँ देखा है। थैंक यू।